It is indeed regrettable that the Chinese side has chosen to politicize an event like the Olympics. I wish to inform that our chargé d'affaires of the Embassy of India in Beijing will not be attending the opening or the closing ceremony of the Beijing 22 Winter Olympics. चीन में हाल की घटनाओं को देखते हुए भारत सरकार ने सख्त फैसला लिया है और ड्रैगन को मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि भारत चीन में होने वाले विंटर ओलंपिक में हिस्सा नहीं लेगा, यानी कि भारत के राजनयिक विंटर ओलंपिक के ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी में हिस्सा नहीं लेंगे। भारत ने चीन में होने वाले विंटर ओलंपिक का डिप्लोमेटिक बहिष्कार करने का फैसला कर लिया है। दरअसल इस फैसले के पीछे कई घटनाएं कारण बनी है। हाल ही में चीन ने गलवान झड़प में शामिल रहे एक सैन्य कमांडर को बीजिंग विंटर ओलंपिक में मशाल वाहक बनाया है। इसका भारतीय राजनयिकों ने विरोध किया था। भारत ने चीन के इस कदम का संयुक्त राष्ट्र में भी विरोध किया। आपको बता दें कि चीन ने सैन्य कमांडर फैबाओ को गलवान झड़प के बाद अपने अखबारों में नेशनल हीरो की तरह पेश भी किया था। वहीं हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के लड़के को चीनी सैनिकों ने अगवा कर लिया था, जो मामला भी काफी सुर्खियों में रहा था। अब भारत ने भी मौके का फायदा उठाते हुए विंटर ओलंपिक का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। चीन एक तरफ जहां इसी महीने शुरू होने वाले विंटर ओलंपिक को जोर शोर से सफल करवाने में लगा हुआ है, वहीं दुनिया के कई देशों ने चीन का बहिष्कार किया है। भारत इस फहरिस्त में नया है और इससे पहले अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा, यूके और यूरोप के कई देश बहिष्कार कर चुके हैं। चीन ने विंटर ओलंपिक के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। ये एक ऐसा इवेंट है जिसे बेहतरीन स्तर पर होस्ट कर चीन अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाने की तैयारी है। मगर हाल के दिनों में बहिष्कार की खबरों के सामने आने से चीन ओलंपिक से पहले ही शर्मसार हो रहा है और अब वो भड़क भी रहा है। इन सभी देशों ने डिप्लोमेटिक लेवल पर बहिष्कार किया है, लेकिन खिलाड़ी खेलेंगे। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्यों सारे देश चीन का बहिष्कार कर रहे हैं और डिप्लोमेटिक लेवल पर ओलंपिक जैसे बड़े इवेंट का बहिष्कार करने का क्या मतलब होता है। लेकिन इससे पहले आपको ये बता दें कि बहिष्कार पर चीन ने क्या रिएक्शन दिया है। सबसे पहले जब अमेरिका ने बॉयकट का ऐलान किया था तो चीन की तरफ से प्रतिक्रिया आई थी कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि अमेरिका से कोई आय या ना आय। इसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया ने बॉयकॉट की बात कही तो चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आया कि ऑस्ट्रेलिया का फैसला अहंकार से भरा हुआ है और मूर्खतापूर्ण है। बॉयकॉट करने वाले देशों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वैंग वेनबिन ने यह भी कह दिया कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ओलंपिक का फायदा अपनी राजनीति के लिए कर रहे हैं और सभी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ताजा बयान जो सामने आया उसमें चीन ने कहा कि अमेरिका अपने खिलाड़ियों को इवेंट में बाधाएं डालने के लिए उकसा रहा है। अब बात करते हैं क्यों सभी देश चीन का बहिष्कार कर रहे हैं। अमेरिका ने चीन में होने वाले मानवाधिकार के उल्लंघन को लेकर बॉयकॉट की घोषणा कर रखी है। कहा था कि चीन में हो रहे नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराधों के कारण बॉयकॉट किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने भी अमेरिका की हां में हां मिलाई और बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भी साफ तौर से कहा कि उनका कोई भी अधिकारी या डिप्लोमेट ओलंपिक में नहीं जाने वाला और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी ह्यूमन राइट्स वायोलेशन की बात कहकर बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। न्यूजीलैंड ने पूरी तरह से बहिष्कार नहीं किया, लेकिन उसने कहा कि वो शायद ही अपने अधिकारियों को भेजेगा, लेकिन न्यूजीलैंड ने कोरोना वायरस और ह्यूमन राइट्स वायोलेशन का जिक्र जरूर किया। इस वक्त दुनिया के यही बड़े देश हैं जिन्होंने चीन ओलंपिक्स का बहिष्कार किया है और अभी और भी देशों का इस लिस्ट में आना बाकी है। अब अगर हम बात करते हैं डिप्लोमेटिक बहिष्कार का गेम्स पर चीन पर क्या असर पड़ने वाला है। डिप्लोमेटिक बॉयकॉट का मतलब होता है कि ओलंपिक में बहिष्कार करने वाले देशों से कोई भी अधिकारी या नेता नहीं जाएगा। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश पहुंचे थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। 80 के दशक में जब कोल्ड वॉर अपने चरम पर थी उस वक्त भी मॉस्को और लॉस एंजलिस ओलंपिक का बहिष्कार कर चुके थे और उस वक्त राजनीतिक तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया था कि हजारों खिलाड़ी भी खेलों में हिस्सा नहीं ले पाए थे। बहिष्कार से नुकसान क्या होगा ये भी जान लेते हैं। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए कई चैनल अरबों रुपए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को देते हैं। यहां कमेटी को नुकसान हो सकता है अगर अमेरिका के खिलाड़ी भी ओलंपिक में जाने से मना कर दे तो।
इसके अलावा चीन की इमेज को इंटरनेशनल लेवल पर काफी धक्का पहुंचने वाला है, जो पहले से ही कोरोना वायरस और अपने पड़ोसियों से तनाव को लेकर बदनाम है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इस तरह के तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म।